हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। अभी मैं फिलहाल इस वक्त मैं जसपुर नगर के लक्ष्मी नगर में हूँ, और ये मेरा मामा लोग का घर है, और ये हमारे मामी जी हैं, इधर हमारे खारीवाहर के भाई। कैसे हैं भाई? ठीक नमस्ते। बढ़िया। है। और इधर पीछे मेरे दीदी है। नमस्ते। और कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी मनोरा जा रहे हैं। मनोरा। हाँ। तो गई, अभी हम लोग मनोरा घूमने जा रहे हैं, क्योंकि और इधर मेरे भाई को देखिए, अभी सो के उठा है दोस्तों, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग मनोरा में किसके घर जा रहे हैं? बड़े मम्मी। तो बड़े मम्मी लोग के पास जा रहे हैं दोस्तों। हाय 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 बोलो, बाय बोलो, बाय। ठीक से बोलो। तो ठीक है, बाय, हम लोग चलते हैं। बाय। हाँ बाय। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, देखिए निकल रहे हैं, और बारिश एक एक बूंद भी गिर रहा है दोस्तों। चलो 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 जल्दी चलो, मैं बैठूंगी। का हाय बोलो, हाय तो हाय। बोलो। देखिए खारी बाहर का हीरो लोग खड़े हैं, 3 टू चश्मा लगा के। तो मैं भी लगाता हूँ दोस्तों। इतना आदमी जा रहे हैं अभी हम लोग 3 टू बाइक में। चलो बैठो मैडम। गाइस ये है मनोरा रोड, और जसपुर का पहाड़ देखिए, ऐसे पहाड़ पर्वत में भरा हुआ है इधर। और यहाँ पेट्रोल डाल रहे हैं दोस्तों, रास्ता में रुके हुए हैं। चुन्नी चुन्नी चुन्नी, बारिश आ रहा है गाइस, देखिए। और गाइस ये है सोगड़ा आश्रम का बाउंड्री, आप लोगों को यहाँ से दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अभी तो नहीं घुसेंगे गाइज। इधर देखिए, ये पूरा का इधर जसपुर क्षेत्र में ऐसे ही पूरा को रखा जाता है, इसको पूरा का मचा कहते हैं ना आकाश भाई। हाँ हाँ। और देखिए यहाँ का व्यूज देखिए गाइज, कितना ब्यूटीफुल है जसपुर। ठीक अच्छे पार हो गलू, टेम्पुल पार हो गलू। हमें हाँ टेम्पो वाला रास्ता में ना निकल गए हैं। ये वाला घर इधर जाएंगे हम लोग, वो गांव तरफ इधर जाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं टोंगो गांव जसपुर का। और यहां का व्यूज देखिए, बहुत ही अच्छा व्यूज है दोस्तों। और बारिश भी आ रहा था, अभी छूट गया है अभी। तो हम लोग अभी टोंगो तरफ जा रहे हैं गाइस, तो देखते हैं कौन सा गाँव है टोंगो, कैसा गाँव है। बच्चे लोग स्कूल से अभी जा रहे हैं छुट्टियों के। हाय हाय हेलो, हाय बाबू, हाय हाय बोलो, क्या नाम है आपका? करण भगत। कौन सा गांव से हैं? हैं सकरडी। सकरडी। और कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। हाय बच्चों, हाय हाय। स्कूल छुट्टी हो गया? हमा खातिर। और गाइस देखिए ये कबूतर रखते हैं शायद, इसमें मटका सब है देखिए।
हाँ कबूतर रखते हैं, देखिए कबूतर भी है। वो पहाड़ के ऊपर है घर, ये है देखिए गाइस। उफ बहुत दूर आने के बाद गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। मेहमान आए हैं हम लोग। हाय बोलू बाबू। हाय, ये भी आ गया, बहुत रो रहा था, उसका पापा को दौड़ाया। तो गाइस ये मोनोरा ब्लॉक धसमा गांव है और यहाँ आ चुके हैं हम, इतना सारे आए हैं मेहमान। देखिए वो बाबू भी आ गया, उसका पापा को दौड़ाया, वो रो रहा था इसीलिए उसको ले आए हैं। ये हमारे भैया लगेंगे और इधर देख रहे हैं हमारे बड़ी मम्मी लगेंगे, क्योंकि मेरा दीदी का बड़ी मम्मी है तो हमारे भी बड़ी मम्मी। और आपको क्या कहेंगे भैया? ये भैया हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को यहाँ आके, धसमा गांव आके। पूरा आदिवासी इलाका है दोस्तों, और ऐसे पहाड़ी इलाका बहुत ही पसंद है हम लोग को। मैं तो बहुत पसंद करता हूं दोस्तों, क्योंकि हम लोग का उधर उड़ीसा में ऐसे पहाड़ी इलाका है, बहुत दूर में कोरापुट तरफ, लेकिन हमारे सुंदरगढ़ में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इधर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आशा करता हूं कि इधर का व्यू आप लोगों को भी पसंद आए। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, अगर हम लोग का चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए भैया से थोड़ा इनका घर दिखाने बोलते हैं। चलिए भैया उधर क्या क्या है देखते हैं। और ये है उनका नया घर, और पुराना घर तरफ जा रहे हैं अभी देखने के लिए। पुराना घर है तो गाइस, तो ये वाला है पुराना घर, और अभी इधर इतना देखभाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि दो ही आदमी हैं, बड़ी मम्मी देख रहे हैं कितना उम्र है उनका। तो भैया भी है, भैया है, शादी नहीं हुए ना भैया का। इधर भी देखिए गाइस, वही लकड़ी का जो क्या बोल रहे पखली गाछ का, जो पेड़ का लकड़ी का, सूखा लकड़ी का घेरा है। हम लोग बचपन में देख रहे थे हम लोग का जो मामा लोग का घर में, अभी तो उधर भी नहीं मिलता है ये सब। उधर जंगल उड़ीसा में खत्म होने जा रहा है पूरा जंगल सब, और हाथी सब है ना सब गांव तरफ आने लगा है। हाँ पूरा गाँव, हाँ लेकिन हमर दूरा नहीं आई है इतना। हम लोग का उधर बहुत आता है। केरा बेटा है, केरा के तो मुर्गी दौड़ कर। आपका है ये वाला भी? हाँ। इधर केला लगा हुआ है दोस्तों, केला लगाए हैं इधर देखिए। उधर चलो कुआं तरफ, कुआं तरफ, कुआं भी है। हाँ। आदमी तो एक तो है ये नहीं है घर में। हाँ तो सब बाहर में नौकरी करते है ना भैया लोग। हाँ तो, और गाइस इधर मकई लगाए है देखिए, कहीं भी देखिए लकड़ी का, सूखा लकड़ी का घेरा है। अभी तो चतरा भी नहीं है, तो जब पूरा पत्थर का, बहुत नीचे पानी है ना, बहुत नीचे पानी है, बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा है। झारखंड? आप झारखंड से हैं? तो बड़ी मम्मी झारखंड से हैं गाइस। और इधर देखिए पहाड़ के किनारे में पूरा घर है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इलाका है। नहीं रहता है। इस जंगल में बाघ भालू है? हाँ। बाघ तो आजकल नहीं है, लेकिन भालू। समय भेटे अभी हमारे घूमे के लिए ने? कहाँ बते? सुंदरगढ़ उड़ीसा। हाँ। देख के आबे तो हमारे उड़ीसा के इतना है। बोलना, हाय बोल बाबू, हाय हाय बोल। हाँ हाय हाय, कहाँ आया है तू? है इधर कहाँ आया है घूमने? घूमने? हाँ बात करो तो दोस्त लोगों से। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों बोलो। आप लोग कैसे हैं बोलो?
इस गांव में ज्यादा आदिवासी रहते हैं ना? हाँ। और इन लोग का क्या काम काज है यहाँ? खेती किसान करके जीते हैं। और गर्मी सीजन में जंगल से महुआ उठाते हैं, जंगल हाँ। से कुछ कुछ फल संग्रह करके बेचते हैं ना? हाँ। उसको क्या बोलते हैं, चार की क्या बोलते हैं? इधर क्या बोलते हैं? चिरौंजी। चिरौंजी। ओहो। और अभी डोरी भी बेचते हैं? डोरी उठा रहे हैं, बहुत कम है। तेल खाते हैं उसका? तेल। और महुआ को बेचते हैं कि या दारू बनाते हैं? दारू कभी कभी बनाते हैं अपने घर में। कितना यहाँ कितना परिवार होंगे इस गांव में? लगभग 105। हाँ वही 5-7 होगा। और मेन टाउन यहाँ का जसपुर? जसपुर। और इधर आसपास में और दूसरा बड़ा टाउन? बड़ा टाउन ही नहीं है यहाँ पर। नहीं है, केवल जसपुर है। और सब्जी सब लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। और बेचने कहाँ ले जाते हैं? ये मनोरा। मनोरा मतलब बाजार लगता है? बड़ा बाजार है। आज का है मंगल, आज भी बाजार है और हफ्ता में 2 दिन लगता है यहाँ। हफ्ता में 2 दिन लगता है, मंगल और शुक्रवार को। आपका घर कौन सा है? ये वाला। तो गाइस इन भैया का, मेरा भैया लगेंगे तो इनका घर ये वाला है। और यहाँ का बच्चे लोग पढ़ाई करने का कितना दूर जाते हैं? स्कूल सब है? स्कूल मनोरा। मनोरा कितना दूर है यहाँ? यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा। 7 किलोमीटर जाते हैं? हाँ, ये देखिए ये जंगल है ना, इसी को उस पार। ओहो, तो पैदल जाते हैं कि साइकिल में? साइकिल में भी, पैदल भी। पैदल भी रास्ता है? रास्ता है। कि हम लोग उसी रास्ता से आए क्या? पता नहीं, ऐसे सीधा है कि इधर से आए। हाँ, तो फिर टोंगो की क्या गांव उधर से आए? हाँ, टोंगो तरफ से घूम के आए होंगे। यहाँ मतलब 7 किलोमीटर बहुत दूर है ना? हाँ, बहुत ही है, समझ लीजिए। लेकिन आसपास में एक स्कूल होना चाहिए ना? स्कूल है यहाँ, 2 प्राइमरी, छोटा प्राइमरी स्कूल, वो बड़ा स्कूल है, वहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ तो कई प्रकार का है अभी। ओहो, तो ठीक है, इधर प्राइमरी है तो ठीक है। हाँ। छोटा छोटा बच्चे लोग उधर हाँ? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। जोहार आबामान, और कैसे हा? छुट्टी ही लग? ओहो, जाओ भीतर आवा तो। गाना एक तो गाओ, तो गाना एक तो सुनाओ दोस्त लोगों को, गाना एक तो सुनाओ, गाना एक तो सुनाओ। गाना जानते हो? हाँ जानते हो, गाना गाओ एक तो। बोलो, करो गाना गाओ, गाओ चलो। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय ऐसे, हाय बोलो, हाय बोलो। तो हेलो गाइस, अभी शाम होने वाला है। जसपुर मेरे को सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जसपुर का वीडियो एक्सप्लोर कराता हूँ आप लोगों को। जसपुर का इलाका पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए कहीं भी जाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। और यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है दोस्तों। रुको, मेरे को बोलने दो। तो गाइस, ये जसपुर पहाड़ पर्वत से भरा हुआ है, इसीलिए चारों तरफ पहाड़ पर्वत से भरा हुआ है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं तो ऐसे ही नेचर लवर हूँ। और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा लगता है। गर्मी सीजन में आए या कोई भी सीजन में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाला नए वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय बोलो, बाय बाय बाय।